बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेम एंड फ्राई। आज मैं आपको दो तरह के पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। एक है साल्टेड पॉपकॉर्न, नमकीन पॉपकॉर्न, और एक जो है वो मीठे स्वीट पॉपकॉर्न। ठीक है, सबसे पहले हम साल्ट वाले जो है ना वो पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया था। आप जो है ना वो बटर भी ले लें, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, और हाफ कप जो है पॉपकॉर्न डाले थे, और उसके अंदर फुल फ्लेम कर दिया था, और ऊपर जो है वो ढक्कन दे दिया था। ठीक है, और जब हम फुल फ्लेम कर देंगे तो फिर जो है ना बहुत जल्दी ये पॉपकॉर्न जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और बहुत जल्दी से ये जो हमारे कॉर्न है वो पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से पॉपकॉर्न जो है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं, और एकदम से जो है वो बहुत जल्दी ये सारे पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे कॉर्न। तो तब जो फ्लेम है उसको हम मीडियम पे कर देंगे, क्योंकि इस तरह से ये जले नहीं, लेकिन बिल्कुल लो नहीं करना। फिर जो हीट है वो बहुत कम हो जाएगी, और फिर जो मतलब पॉपकॉर्न बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा, और मकई जो है वो पिसाबुत भी रह जाती है। तो इसलिए जो है ना वो इसमें फ्लेम को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, केयरफुली जो है ना फ्लेम को हैंडल करना पड़ता है, कि पहले जो है वो बहुत हाई फ्लेम हो, और फिर जब पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो जाए 50% वो हो जाए, तो फिर हम जो है वो मीडियम पे इसको ले आए, और एंड पे बिल्कुल जो है ना वो लो। जब अब ये देखें, ये पॉपकॉर्न जो है वो रेडी हो रहे हैं। और जब ये सारे पॉपकॉर्न बन जाएंगे तब हम इनको बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इनको मिक्स किया है, अब मैंने हिलाया था इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मकई रह गई है वो भी पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरह से ये देखेंगे सारे जो है ना इक्वल बन चुके हैं पॉपकॉर्न। अब इसके अंदर कोई दाना नहीं बचा मकई का, तो सारी मकई जो है वो पॉपकॉर्न बन चुकी हैं। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है ना वो ठंडा होने पर इसको इंजॉय करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, बजाय इसके कि आप बाज़ार के पॉपकॉर्न बच्चों को बना के दें, आप घर में भी बना सकते हैं, और इस तरह से जो है वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और उनको साफ़ सुथरे पॉपकॉर्न घर के खाने को मिल जाएंगे हेल्दी वाले। और अब हम आते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, जो कि हैं स्वीट पॉपकॉर्न। तो उसके लिए मैंने ना ब्राउन शुगर ली थी। ब्राउन शुगर बहुत हेल्दी होती है, और आप क्या करेंगे कि इसके अंदर ना 2 टेबलस्पून बटर ले लें, या 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, उसके अंदर तो जो है ना वो चम्मच भर के जो है ना वो शक्कर के डाल दिए थे। मैंने ना ये ब्राउन शुगर ली थी, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा ना इसको मेल्ट कर लेंगे शुगर को, सॉरी ब्राउन शुगर को। अगर आप गुड़ लेना चाहें तो फिर थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो पानी डाल के उसको पहले डिसॉल्व कर लें पानी के अंदर, और फिर जो है वो इस तरह से ऑयल में डाल दें और उसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर जो है ना वो मकई मैंने डाल दी है और इसको मिक्स कर दिया है, और इस तरह से अगर वाइट शुगर लेना चाहें तो उसका भी बिल्कुल सेम जो है ना वो तरीका है, प्रोसेस है, कि हम इस तरह से उसको मेल्ट करेंगे, और जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर मकई डाल के उसको हिलाएंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और अब ये देखेंगे जो मकई है वो कन्वर्ट हो रही है पॉपकॉर्न में, और सारे जो है ना इस तरह से पॉपकॉर्न बन जाएंगे, और बहुत मज़े के पॉपकॉर्न बनते हैं, और लाइट ब्राउन कलर इनका होता है शुगर की वजह से, ब्राउन शुगर की वजह से। और अगर आप वाइट शुगर लेंगे तो फिर जो कलर होगा पॉपकॉर्न का वो वाइट ही रहेगा। और आप जो है ना बटर स्कॉच वाले पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, जो फांटी कैंडी होती है वो वाले पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। ये डिफरेंट पॉपकॉर्न मैं आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ में ज़रूर सिखाऊंगी, कि बटर स्कॉच वाले जो है ना वो बटर स्कॉच कैंडी से बना सकते हैं, और फांटा वाले फांटी कैंडी से बना सकते हैं। तो डिफरेंट कैंडी वाले जो पॉपकॉर्न हैं वो मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी,
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है ना फेसबुक पे मेरा पेज है फ्लेम एंड फ्राई, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।